चलिए बेटा आपके स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को लिमिट करते हैं बेटा। E and F are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1। बेटा E F दो पार्टनर हैं, 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिट G एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। उन्होंने बेटा G को नया पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट ई एफ एंड जी विल शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर इक्वली। जी प्लॉट ₹50,000 इन कैश एंड मशीनरी वैल्यूड एट ₹70,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ई एंड एफ बेटा दो पार्टनर थे, 3:1 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक नया पार्टनर जी, वो उन्होंने अपने साथ एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, और उसको जो दिया प्रॉफिट में कितना शेयर दिया, 1/3 शेयर। साथ ही बेटा ये भी तय हुआ कि ई एफ एंड जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कि ई एफ और जी तीनों ही इन फ्यूचर कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। इट मीन्स 1/3, 1/3, 1/3, यानी तीनों का ही शेयर फ्यूचर में 1/3, 1/3 होगा। जी ब्रॉट ₹50,000 इन कैश एंड ₹70,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा जी एंट्री जब फर्म में करता है तो अपनी गुडविल के लिए क्या लाता है, गुडविल के लिए 50,000 कैश लाता है और 70,000 की मशीन लाता है, ठीक है। यानी कि बेटा जो क्वेश्चन है, ये गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड गुडविल ब्रॉट इन काइंड, उन दोनों का बेटा कंबाइंड क्वेश्चन है, मिक्सअप है दोनों का, ठीक है। यानी यहाँ गुडविल दोनों तरह आ रही है, इन कैश भी और इन काइंड भी, ठीक है। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आपको नेसेसरी एंट्रीज बनानी है बुक्स में। तो बेटा गुडविल की एंट्री हमेशा ही दो बनती है, है ना। यदि आप गुडविल ब्रॉड कर रहे हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और आइदर इन फॉर्म ऑफ काइंड, है ना, तो एक एंट्री गुडविल के आने की और दूसरी उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है बेटा। तो वही दो एंट्री बनेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ऑल रेशियो तो ऑलरेडी गिवन था, चलिए नहीं था तो भी हम उसको इक्वली मान लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा आपको न्यू रेशियो गिवन कर दिया है क्वेश्चन में, जो फ्यूचर शेयर है, यानी कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपको गिवन कर दिया है। अब बेटा यदि क्वेश्चन ने आपको सेक्रीफाइस या न्यू रेशियो दोनों में से किसी के बारे में भी हिंट कर दिया है, तो इसका मीनिंग है कि अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम हम यही कर लेते हैं बेटा, अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी एंट्रीज बना देंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं, एंट्रीज बना देते हैं और जो अमाउंट बनेंगे वो रेशियो कैलकुलेट करने के बाद बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम देखते हैं सोल्यूशन। देखो बेटा एंट्रीज केवल दो बननी है, एक गुडविल के लाने की और एक उसको ट्रांसफर करने की, ठीक है। गुडविल के लाने की जो एंट्री होगी पहली एंट्री होगी, ठीक है, देखते हैं क्या होती है। गुडविल आई कैसे बेटा, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैसे है मशीन पर बेटा, मशीन अकाउंट डेबिट। गुडविल है ये बेटा, इसमें गुडविल इन कैश एंड गुडविल इन काइंड दोनों तरह से है, दोनों को डेबिट किया बेटा। जितना पैसा कैश है उसके लिए कैश डेबिट, जितने पैसे के लिए मशीन है उसके लिए मशीन डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड मशीन, ठीक है, आप खाली ऐसे लिखते हैं बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, गुडविल लाए थे बेटा, ठीक है। देखिए जी कैश लाए थे आप 50,000, मशीन लाए थे आप 70,000, तो बेटा टोटल गुडविल होगी आपकी 1,20,000, ठीक है। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। देखो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट,
टू सैक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बेटा हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सैक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन कौन है, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सैक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो बेटा इधर आते हैं, ड्राफ्ट काम की बता ना, क्योंकि जो हमारी सेकेंड एंट्री है ये है ना, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सैक्रीफाइजिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं। अच्छा प्रीमियम पर गुडविल तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए और शेयरिंग रेशियो, और शेयर कितना बेटा 3:1, इसको आप सही करके लिखें तो 3/4 × 1/4 लिख सकते हैं बेटा, 3 × 1/4, ठीक है। अब देखिए बेटा न्यू शेयर्स, लिखा है ई एफ एंड जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, कैसे शेयर करेंगे बेटा वो इक्वली 1:1:1, इट मींस 1/3 × 1/3 × 1/3। अब देखो बेटा क्वेश्चन में ओल्ड शेयर भी है न्यू शेयर भी है, इसका मीनिंग है सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना ही करना है। चलिए बेटा सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस शेयर इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा है बेटा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आपको फिर याद दिला दूं कि जहां भी फार्मूला है आप उसे लिखें जरूर, फार्मूला लिखने के लिए मार्क्स होते हैं, अगर हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं तो वो मार्क्स हमें अवार्ड नहीं होंगे, भले ही हमारा क्वेश्चन पूरा ठीक हो, ठीक है। उसमें से जितने नंबर फार्मूले के असाइन किए गए होंगे वो नंबर डिडक्ट किए जाएंगे, भले ही क्वेश्चन पूरा ठीक आया हमारा, यदि हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं तो। हम फार्मूला लिखते हैं क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो केवल फार्मूला लिख लेंगे जितने मार्क्स थे वो हम मिलेंगे। चलिए बेटा हमारे पार्टनर का नाम है ई, बेटा ई का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं, तो ई का शेयर था बेटा पहले 3/4 और अब हो गया 1/3, बेटा 4 और 3 का मैं ले जाऊं तो 4 सीधे मल्टीप्लाई कर लिख गया। चलो यहां से कर लो बेटा 3×3 = 9 − 4 = 4, इट मीन्स 5/12। बेटा क्या निकाल लेते हैं हम सैक्रिफाइस, ठीक है, और पॉजिटिव आंसर यानी कि सैक्रिफाइस ही है। एफ को देखो बेटा, एफ सैक्रिफाइस, एफ का शेयर था बेटा पहले कितना 1/4, अब हो गया 1/3, एंसर फिर से 12, तो 3×3 − 4 = 4, तो माइनस किया 1/12, अरे ये आंसर माइनस में आ गया बेटा, ये क्या था सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने से आंसर आ गया माइनस में, इसका मतलब है सैक्रिफाइस नहीं है भाई, ये क्या हो गया, ये गेन हो गया है, ठीक है बेटा। एफ को गेन हो रहा है इसका मतलब है कि अब एफ को कुछ मिलेगा नहीं गुडविल से, उल्टा एफ को देना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां प्रीमियम को डेबिट करे थे वहीं आप एफ को भी डेबिट करेंगे। बेटा क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल कैसी है, फिक्स कॉस्ट छोटी नहीं कोई इंटर नहीं तो फिर छोटी मानेंगे, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन के शुरू में ही कहा था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो दोनों के दोनों पार्टनर सैक्रीफाइस नहीं कर रहे, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें से भी एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक गेन कर रहा है एक सैक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर पार्टनर सैक्रिफाइस की जगह गेन करेगा तो उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल क्रेडिट के बजाय डेबिट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो बेटा कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, केवल ई, तो ई कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड फॉर ट्रांसफर टू पार्टनर, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है बेटा, या तो आप सिंपली इस 1,20,000 पर डिस्ट्रीब्यूट के लिए 5:-1 में, ठीक है, या फिर आपको इस एफ की भी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एफ को हम कितने रुपए से डेबिट करेंगे। अब देखिए बेटा ये गाना खत्म हुआ हमारा, देखिए बेटा हमारा नया पार्टनर था जी, जी गुडविल 4/1/3 शेयर, बेटा जी 1/3 शेयर के लिए कितनी गुडविल ला रहा है अपने लिए 1,20,000, ठीक है। तो टोटल गुडविल कितनी हो गई, वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में टोटल कैपिटल निकाली थी वैसे आप टोटल गुडविल निकल जाएगी, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय इस रेशियो को रिवर्स कर दो बेटा,
यानी कि जो टोटल गुडविल है फर्म की वो कितनी है 360,000 है बेटा। फर्म की टोटल गुडविल होगी 360,000, ठीक है। अब बेटा इस 360 में से जिसका जितना शेयर है उसको उतना दे दो। एफ का शेयर कितना है 1/12, तो 360,000 का 1/12 ध्यान दो बेटा, यानी कि 30,000। अब बेटा ए का टोटल कितना है 360,000 का, ए का रेशो आया था सैक्रीफाइस कितना बेटा 5/12, 1/5/12 यानी कि 1,50,000 बेटा। हम कैलकुलेट कर रहे हैं तभी 150 और ऐसे ही जोड़ के लिख देता मैं तभी 150, ठीक है। दोनों साइड से अमाउंट बराबर आ रही है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है, ठीक है। चलो आपसे कॉपी करें, एंट्री यही दोनों बननी थी, दोनों हमने बना दी हैं, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन में हमसे ना कहीं भी ऐसा नहीं बताया है कि वो कैपिटल कितने रुपए लाया है, कैपिटल कितने रुपए आई है ये नहीं बताया गया है, इसलिए हमने क्या करा कैपिटल की एंट्री हमने नहीं बनाई, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है उसमें पुट करने के लिए एंट्री में। यदि वो कैपिटल की उसने दी होती कि वो इतने रुपए कैपिटल लाता है तो उस एंट्री को भी इसी के साथ मिक्स कर देते बेटा ना, मर्ज कर सकते थे, कंबाइंड बना देते, ठीक है। चलो रफ करें इसको, कोई कंफ्यूजन किसी को।